क्या होगा अगर आपका सामना दुनिया के सबसे जहरीले जानवर से हो जाए जिसका जहर एक साइनाइड से भी ज्यादा तेज हो। तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे जहरीले जानवरों के बारे में बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उफर फिश। दोस्तों इस मछली के आसपास अजीब से कांटे निकले होते हैं जो कि इनकी खूबसूरती बढ़ाते हैं। पुफर फिश एक ऐसी मछली है जो दिखने में भले ही खूबसूरत क्यों न लगती हो लेकिन ये दुनिया की सबसे जहरीली मछलियों में से एक मानी जाती है। ये मछली जापान में पाई जाती है। ब्लू रिंग ऑक्टोपस। जैसा कि नाम से पता चलता है कि इस ऑक्टोपस पर ब्लू रिंग पाए जाते हैं। ये रिंग बहुत ही सुंदर, चमकीले और खूबसूरत दिखते हैं और इसी की वजह से शिकारी जानवर इस ऑक्टोपस की तरफ खींचे चले जाते हैं और खुद हमले का शिकार हो जाते हैं। इस ऑक्टोपस को छूने भर से आप इसके जहर का शिकार हो सकते हैं। इस ऑक्टोपस की लंबाई 8 इंच तक होती है। लोलोरेस। कुछ एक छोटे से बंदर सा दिखने वाला यह जानवर आपको भले ही भोला भाला और शांत लगे पर असल में ये बहुत ही खतरनाक है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जानवर दुनिया के सबसे जहरीले जानवरों में से एक हैं। अगर एक बार किसी को काट भले तो उसकी जान बचाना मुश्किल हो जाएगी। हालांकि समय पर इलाज मिलने पर व्यक्ति को बचाया जा सकता है और अक्सर इन जानवरों का शिकार वही लोग बनते हैं जो इनकी मासूमियत को देखकर इनको अपने घर में पालने की कोशिश करते हैं। इनकी लंबाई 8-10 इंच तक होती है। ब्लू रिंग ऑक्टोपस। एशिया और ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में पाई जाने वाली ये मछली दुनिया भर के सभी जानवरों में सबसे खतरनाक होती है और इस मछली को सबसे खतरनाक बनाता है इसका जहर। इसका सर एक बॉक्स जैसा होता है, इसी वजह से इस मछली का नाम बॉक्स जेलीफिश पड़ा है। बालों की तरह दिखने वाले इनके डंक फिश से बड़े हो सकते हैं। ब्लैक मामा। दुनिया के सबसे जहरीले जानवरों की लिस्ट में ब्लैक मामा का नाम भी शामिल है। दोस्तों इनके काटने के बाद इंसान की 20 या 30 मिनट में मौत हो जाएगी, इसी कारण ब्लैक मामा को दुनिया का सबसे घातक सांप माना जाता है। दोस्तों इसकी लंबाई 14 फीट तक होती है। दोस्तों ये सांप काला नहीं बल्कि ग्रे कलर का होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी वाला चैनल दबा दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ठीक है।